नमस्ते फ्रेंड्स, ये वीक कैसा रहा? अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स, पूरा हिला दिया इस वीक में, राइट? सबसे ज्यादा तो लोग तब हिल गए जब थर्सडे को गिफ्ट निफ्टी दिखा रही थी रात में 300 पॉइंट माइनस, और फ्राइडे को करीब 150 ओपन हुआ, ऑलमोस्ट पॉजिटिव भी होने की तैयारी कर ली, और फिर उसके बाद जो गिरा है, अभी भी गिफ्ट निफ्टी वो ही दिखा रही है कि करीब 150-200 पॉइंट डाउन है। तो मार्केट इतना वॉलेटाइल हो गया है, इतना वॉलेटाइल हो गया है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल सच सिचुएशंस। और मैं हमेशा से एक चीज कहती आई हूं कि बिना हेज के एफ एंड ओ ना करें। जो इस वीक की एक सबसे बड़ी चीज मैंने देखी, या मुझे जो बहुत डिप्रेसिंग फील हुई, लोगों को मैंने जब ये डेली एक्सपायरी स्टार्ट हो रही थी, ट्विटर पे भी अगर आप देखेंगे तो मैंने जुलाई 23 में ही डाल दिया था, बाकी भी अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं सब में डाल दिया था कि डेली एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है, और डेली एक्सपायरीज में अगर हम लोग रोज रोज इसमें काम करेंगे, एक्सपायरी ट्रेडिंग जो कि क्रेज ऑफ द नेशन बन गया है या क्रेज ऑफ द ट्रेडर्स बन गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बैंक बैलेंस एक्सपायर हो जाए। डेली एक्सपायरी कौन ट्रेड कर सकता है? वही जिसके पास इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, इतना पैसा हो, और चला भी जाए तो उनको तकलीफ ना हो, वो डेली एक्सपायरी ट्रेड करें। अपना तो हार्ड अर्न मनी है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, किसी किसी का तो लोन पे लाया हुआ पैसा है, किसी किसी का घर के घर लोन पे रख के उसके अगेंस्ट पैसा उठा के। और यहाँ पे मुझे कोई बता रहा था कि मेरा जो ईएमआई चल रहा था, मैंने ईएमआई को टॉप अप किया और फिर यहाँ पे पैसा लेके आए। उनका डेली एक्सपायरी क्यों करना है? बोला इसी में तो पैसा है, इसी में जैकपॉट लगता है, बिकॉज मंडे को मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी हुई थी, एक ऑप्शन था पुट ऑप्शन, 1.85 का लो बना के 182 रुपीज का हाई बनाया विद इन 10 मिनट्स, एंड बैक टू ऑलमोस्ट जीरो। सोचो अगर किसी ने टॉप में बाय किया है तो वो गया, और किसी ने अगर बॉटम में राइट किया होगा तो वो गया, तो दोनों को नुकसान हो गए। सेम चीज कल सेंसेक्स में देखा, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी कल फ्राइडे को। क्यों करनी है एक्सपायरी ट्रेडिंग? क्या हमारे पास रियल ट्रेड्स नहीं है मार्केट में करने के लिए? हम नेक्स्ट एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं, मूवमेंट आएगा तो दोनों में आएगा ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे 5 रुपए का 50 नहीं होगा, वहां पे 50 का 55 हो जाएगा, 20 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इमीडिएटली हार्ट बीट खत्म तो नहीं कर देगा? जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी है इस ढंग के मूवमेंट के लिए। तो ये आज का जो सेशन पे मैंने ये पहले से ही सोच रखा था कि मैं सबको इस बात पे एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग फिर से देना चाहूंगी कि प्लीज एक्सपायरी ट्रेडिंग बंद कर दो। आज भी लोग मुझसे जब इंक्वायरी करते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं, आप हमको एक्सपायरी ट्रेडिंग सिखाएंगे क्या? हमको एक्सपायरी के डे पे ऑप्शन बाइंग ऑप्शन राइटिंग करनी है। भाई मैं एक्सपायरी ट्रेडिंग ना सिखाऊंगी और ना ही आप करोगे, वो प्रिफर करूंगी। रूटीन ट्रेडिंग में आराम से पैसा कमाइए, यहाँ पे हम कंसिस्टेंट इनकम के लिए आए हैं, इस तरह के इनकम के लिए नहीं आए हैं। कब हमारा मोटो चेंज हो गया, मैंने हमको पता नहीं चलता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि ये वीक में जो लोग आए थे मेरे पास रोते हुए, उनका जो नुकसान हुआ है वो देख के बर्दाश्त नहीं होता है।
जब आते हैं तो मुझसे यही कहते हैं कि हमें रास्ता ऐसा सिखाइए कि हम कंसिस्टेंट इनकम बनाएं, जिससे ये हमारे कोई जॉब का या घर का एक सेकेंड इनकम हो जाए या जॉब का सब्स्टिट्यूट हो जाए, ऐसा बताइए। तो कौन सा ऐसा जॉब है जो आपको 2 दिन में ही 1 साल की इनकम दे देगा? कोई नहीं ना। कंसिस्टेंट इनकम बोलते हैं उनको, रेगुलर इनकम बोलते हैं। तो एक्सपायरी ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, ऐसा मेरा आपसे सजेशन है। इसमें मुझे नहीं पता किसको प्रॉफिट होता है, लेकिन जिसको लॉस होता है उसके आंख से आंसू नहीं निकलते, आत्मा से निकलते हैं, बस इतना ही कह सकती हूँ। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाई करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ सिखाए हैं, तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। और होप शायद आप लोग मेरी बात मानेंगे और ऑप्शंस ट्रेडिंग बंद करेंगे, पर्टिकुलरली एक्सपायरी ट्रेडिंग, राइट? इंट्राडे ट्रेडिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपायरी ट्रेडिंग। इंट्राडे में मेरे पास पोजीशन है, वो मेरी स्क्वेयर ऑफ हो रही है, जीरो नहीं हो रही है सेम डे, राइट? और जब हम एक्सपायरी ट्रेडिंग करते हैं तो हम सोचते हैं चलो 10,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए लगा के 5 लाख बनाते हैं। तो वो जो चीज होती है एक्सपायरी ट्रेडिंग की, वो गलत होती है। ठीक है, आपने एक आध बार कमा लिया, भाई यहाँ तो 5ों दिन एक्सपायरी ट्रेडिंग हो रही है। इस वेडनेसडे को तो दो दो थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी, और कमिंग वेडनेसडे को अगेन, ट्यूजडे को आपके पास दो, वेडनेसडे इज अ हॉलीडे, तो ट्यूसडे को आपके पास फिर से दो एक्सपायरी ट्रेडिंग रहेगी, एक फिन निफ्टी की और एक बैंक निफ्टी की। तो क्या इस वॉलेटाइल को बर्दाश्त करने की ताकत है? नहीं ना। अगर है तो गो अहेड, रोकने वाला कोई नहीं है जब तक आपके पास पैसे हैं, और नहीं तो समझ में आ रही है बात, तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, बत ओके। चलिए निफ्टी में हम देखते हैं, एक चीज आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने ये 1 और 2 पॉइंट बनाए हैं, राइट? अब इसको मैं ऑटोमेटिकली अगर एक्सटेंड करती हूँ, एक्सटेंड राइट, तो ये वहीं पे आके अटक रहा है। यस, और वहीं पे गैप अप ओपन हाई, फिर और फिर ये। अच्छा, इसी के साथ में क्या मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा मिल रहा है? एक तो, एक मिनट, सॉरी, लाइन एक्सटेंड हो गई। क्या मैं ये और ये लाइन ले सकती हूँ? और इसको मैं एक बार एक्सटेंशन बंद कर देती हूँ, नहीं तो वो ऑटोमेटिक जाएगी तो डिस्टर्ब करेगी। ये एक रेजिस्टेंस। अब एक चीज और बताती हूँ मैं आप लोग को, यहां से अगर मैं यहां तक बनाऊं तो ये सब जो है, ये एक्सटेंशन, सॉरी, ये सब रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और ये देखिए अपने आप सब रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। अब इसके बाद यहां से चलो मैं ये हटा देती हूँ। सोचते होंगे कि आरएसआई पे कैसे रेजिस्टेंस मिलता है, बिल्कुल आरएसआई पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिलता है। और अब ये देखिए, सॉरी, कल ही किया था मैंने, क्या कहते हैं, एकदम परफेक्ट। आरएसआई का रेजिस्टेंस जहां जहां भी आएगा वहां वहां प्राइस को रेजिस्टेंस मिलते जाएगी, चाहे
प्राइस अपसाइड जाए या डाउनसाइड। तो आरएसआई आल्सो वर्क्स एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड इट कैन हेल्प यू अ लॉट। ये देखिए, अगर मैं यहां से यहां लेती हूँ तो क्या ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, राइट? तो अब मैं प्राइस को, ये तो पॉइंट मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट आया है, एक्चुअली देखिए तो वहीं से प्राइस ऑलमोस्ट नीचे आया है। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं माय फ्रेंड्स, ये हमें ये बताते हैं कि दीज आर नॉट द पॉइंट्स वेयर वी शुड बाय। अगर हम शॉर्ट नहीं कर सकते, हम पुट बाय नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एटलीस्ट फ्रेश बाय तो ना करें। तो ये जो चीजें हैं, ये हमें साथ साथ में आरएसआई में भी अगर हम रेजिस्टेंस लेते हैं तो ये काम करती है। और इसी में ही नहीं, आप किसी भी स्टॉक में ले सकते हो, बैंक निफ्टी में भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। ये देखिए, अभी कई बार हम जब बात करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ, कि भाई 70 के ऊपर जो है वो सुपर हाईवे पे है, मैं वहां पे शॉर्ट नहीं करूंगी। लेकिन आज मैं आपको एक चीज दिखा रही हूं, क्या 70 पे भी एक रेजिस्टेंस बन रहा है 70 के ऊपर? 1 2 3। और ये देखिए, ये पहला, ये तो अपने को पता नहीं होता, ये अपने को होने के बाद पता चलता है, लेकिन ये तो पता चलता है। थर्ड वाला तो आपके हाथ में है, राइट? तो देखिए, उसी के पॉइंट से वहां से बाजार या तो घूमता है, नहीं तो साइडवेज कंसोलिडेट कर जाता है। ये भी बना सकते हैं, सॉरी, बना सकते हैं। क्या हुआ है? यस, क्या हुआ है? ये पॉइंट मुझे नहीं पता था, ये पॉइंट घूमा तो पता चला, लेकिन यहां वाला पॉइंट तीसरा तो मेरे हाथ में है। आई कैन होल्ड टिल देर इज अ ब्रेकआउट इन आरएसआई। ये जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम क्या है, एक नॉर्मल प्राइस एक्शन देख रहे हैं, एक्शन तो प्राइस पे ही आता है, लेकिन इंडिकेटर इंडिकेट कर देते हैं कि वी आर नियर रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ये जो इंडिकेशंस होते हैं ना, ये बहुत बार बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसे आप किसी भी सेक्टर पे लगा के देख सकते हो। ओके, चलिए, ये एक डबल टॉप आपको वैसे भी दिख रहा है, और अब क्या कहेंगे, ये अगर यहां से लिया, यहां पे आ गया, ये तो चलो ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया, हो गया। हम इसे ट्राई करते रहे, फिर से बनाएंगे, बन गया। या तो प्राइस नीचे आएगा, करेक्ट करेगा, या फिर साइडवेज हो जाता है। तो ऐसे आप सेक्टर वाइज भी इनको ट्राई कर सकते हो। अब यहां पर कंटिन्यू अगर आप देखो तो 70 के ऊपर आ रहे सही है कि नहीं है? 70 के ऊपर आ रहे सही है। अब इनको मैं ऐसे बना दूं, ये एक बन गया, इसके साथ ये दूसरा बन गया। यस, जैसे आप ऊपर बना सकते हो, मैं नीचे भी बना सकती हूँ। और एक ये, इसको बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो मत बनाइए, ये बना के रख सकते हैं, बिकॉज जब ये थर्ड आएगा ना तो हमें हेल्प करेगा। अब इसी के साथ अब हम प्राइस को देखते हैं। यहाँ ये थर्ड पॉइंट पे क्या हमको घूमता हुआ दिख रहा है? देखिए, सेकेंड पॉइंट आपको पकड़ में नहीं आएगा, बिकॉज फर्स्ट आपको दो डेटा पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो थर्ड आपके कंट्रोल में, फोर्थ उसके बाद वापस साइडवेज, अभी मार्केट में ये वाला और ये डेटा पॉइंट बन गया है। यहां से मैं नहीं डिसाइड कर सकती हूँ, कैंडल पैटर्न प्राइस एक्शन वो थिंग है ही है, लेकिन अगर ये थर्ड टाइम आके वहीं पे अटका तो दैट विल बी अ
रियल रेजिस्टेंस फॉर मी। इवन ये स्टॉक्स में भी काम करता है। एक दिखाते हैं आपको, लेट अस सी क्या कहते हैं। ये एक हुआ, और इसको अगर मैं चाहूं तो स्ट्रेट बना देती हूँ तो और भी बेटर बन जाएगा। देखिए कितने रेजिस्टेंस है ना, स्ट्रेट बनाया है। RSI वही कंसोलिडेट कर रहा है, प्राइस आपको ऊपर लेके जा रहा है, नीचे लेके आ रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, नीचे लेके आ रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, नीचे लेके आ रहा है। यहाँ का इट्स नॉट सो इजी टू टेल, तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल टॉप विथ ओपन हाई वो सब भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पे इसका और इसका कॉम्बिनेशन आ जाए, अकॉर्डिंग टू मी दैट इज अ ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, ब्यूटीफुल, कोई भी कर सकता है इसको, ये दो कॉम्बिनेशंस के साथ में। ओके, तो आने वाला वीक भी वैसे ही मुझे लग रहा है निफ्टी का जो हमने देखा है अभी तक, तो निफ्टी पे मुझे ये इतना, ये एक सपोर्ट बन सकता है अगर मैं स्विंग के हिसाब से बात करूं, क्योंकि ये प्रीवियस वाला जो था जिसको तोड़ के ये गया है, तो ये रेजिस्टेंस टूटा, रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन बंद इसने इसके नीचे दिया। अगर इसके नीचे खुलता है तो फिर मेरा नेक्स्ट सपोर्ट ये आएगा। निफ्टी है इसलिए छोटे छोटे सपोर्ट्स तो पकड़ने ही पड़ेंगे ना, हम एक साथ तो बड़ा सपोर्ट पकड़ नहीं सकते, बिकॉज वी ट्रेड ऑन वीकली ना। अब यहां से यहां तक हमारे पास कुछ नहीं, अब कुछ नहीं है तो चलिए आज मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। बहुत बार हम ये बात करते हैं कि इसमें गैप्स रह गया है, इसको मैं और बड़ा कर देती हूँ, और बड़ा करके आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो हम बोलते हैं कि ये दोनों के बीच में गैप रह गया है यहाँ पे, यहाँ की मैं हाई और लो की बात नहीं कर रही हूँ, एक गैप जैसा दिख रहा है ये देखिए। तो ये जो गैप है और उसके साथ में जो ओपन और लो होता है, ओपन लो और गैप, ओपन लो और गैप, तो ये गैप्स के यहां पर ये जो ओपन लो होता है ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। वाइस वर्सा अगर वहां पे रेजिस्टेंस भी हो जाए, जैसे ये है, यहाँ पे गैप नहीं है, ये गैप है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, नीचे आए, देखिए प्राइस 4-5 दिन तक वहीं आसपास में ही घूम रही थी, फिर ब्रेकआउट लिया, तो ये जो है ना ये भी बहुत अच्छे से काम करती है। आप इसे देखेंगे कभी और इसके साथ वर्क करेंगे ना, तो ये जैसे सपोर्ट्स के काम करती है ऐसे सपोर्ट्स बना बना के रख लीजिए, काम आएंगे आपको। तो ये जो गैप वाले होते हैं ना ओपन लो के साथ में, मतलब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, आपको एक्चुअल गैप नहीं दिखेगा। मेरा गैप का मतलब क्या है, इट इज नॉट दैट गैप जो आप सोच रहे हो, ये गैप है कि मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ है 22,004, और गैप अप ओपन हुआ है 22,053, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ है 22,123, और फिर गैप अप ओपन हुआ है 22,163। तो ये जो गैप अप्स करके जो ओपन होते हैं ना वो जनरली यही जो है वो सपोर्ट्स और या गैप डाउन होके ओपन होते हैं, तो वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। आपको चाहिए तो मैं पीछे का भी दिखा देती हूँ, ये जैसे ये था, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ, गैप अप ओपन हुआ, ये जो होते हैं ना ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं, और उसको अगर पार कर लिया तो वही एक सपोर्ट का काम करते हैं। इस तरह से भी हम करते जा सकते हैं। फॉर अवर वीकली एक्सपायरीज अगर आप ट्रेड करना चाहो तो यू कैन वर्क ऑन दैट फॉर वीकली एक्सपायरीज, बट डेली एक्सपायरीज के लिए तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ कि आज ये एक्सपायर हो रहा है इसको खत्म करो, इसमें ट्रेड करो। तो डू वी हैव एनी क्वेश्चंस माय फ्रेंड? Yes, ma'am, we do have some questions. Ma'am, संदीप जी है,
उन्हें व्यू चाहिए लॉन्ग टर्म पे AWL और हिंदुस्तान जिंक पे। लॉन्ग टर्म व्यू अगर लेना है तो मैं उसके लिए फिर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में जाना पहले पसंद करूंगी। अगर मेरे पास लॉन्ग टर्म में प्रॉपर डेटा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरे पास जो डेटा है मैं सिर्फ अगर उसी का यूज करूं तो यहाँ पे ये ओपन हुई होगी प्राइस और ये मेरा ट्रेंड लाइन बना के ये सपोर्ट बना होगा। मंथ के हिसाब से इट इज ऑलमोस्ट लाइक ओपन लो। यू इफ यू आर बायर यू कैन टेक दिस विद दिस स्टॉप लॉस। अप्रोक्सीमेटली 10% का स्टॉप लॉस है, आप ट्राई कर सकते हो मंथ के हिसाब से। वीक के हिसाब से थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम। ये एक सपोर्ट हमको और मिला है तो हम इसके साथ एक लाइन बना सकते हैं। ट्रेंड लाइंस बनाना कितना इजी है ना, राइट? तो इस अब थोड़ा सा स्टॉप लॉस और छोटा हो जाएगा, तो करेक्शन थोड़ा सा दिख रहा है तो हो सकता है अगर आप स्टॉप लॉस पे बाय करना चाहें। लेकिन इसके अंदर जो ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है ना, वो अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास आएगा, बिकॉज यहाँ पे 2-3 बार प्राइस अटक चुका है। तो ये आपका भी फिलहाल के लिए रेंज है टिल इट ब्रेक्स आउट ऑन आइदर साइड। हिंद जिंक सो व्हाट से माय फ्रेंड, वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स। एक तो ये दूसरा ये, एक ही महीने में 50% तो भाग गया। और इसी के साथ इसमें भी ब्रेकआउट आ गया। अच्छा, ये जो होते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स, इसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स भी हम कहते हैं, क्योंकि इट रिक्वायर्स मिनिमम 2 ईयर्स। तो हम 24 में चल रहे हैं, मतलब 2.5 साल तो हो ही गया करीब करीब, 21 और 24, 2.5 ईयर्स। ये जो ब्रेकआउट आया ये फर्स्ट ब्रेकआउट था, और सेकेंड ब्रेकआउट पे RSI शुड बी अबाउट 70। अगर RSI 70 के ऊपर नहीं आता है तो सेकेंड ब्रेकआउट को मैं ब्रेकआउट ट्रीट नहीं करती। यहाँ पे ये मिला है। दूसरी चीज, ये इतनी बड़ी जो विक बनी है अकेले कैंडल की, एक सेकेंड, ये इतना छोटा क्या? हाँ, ये अकेले कैंडल की 408 और 311 की जो बनी है, अगर इस विक को मैं इग्नोर कर दूं फॉर द टाइम बीइंग और ऐसे ले लूं तो और भी ब्यूटीफुल चार्ट बन गया। और इसीलिए ये ब्रेकआउट, फिर ये ब्रेकआउट, फिर ये ब्रेकआउट, क्या स्मूदिंग ब्रेकआउट आया है। ऐसी चार्ट्स मिल जाए ना कभी तो छोड़ना मत, कट इट। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो लेट्स गो टू अ लोअर टाइम फ्रेम। अभी तक कहीं पे कोई करेक्शन दिखाई दे नहीं रहा है, तो या तो हम करेक्शन का वेट करेंगे या फिर इस स्क्रिप्ट को इग्नोर करेंगे। छूट गई चांस तो छूट गई, खत्म बात। अब जब नहीं देखा नहीं देखा, 50% ऊपर जाके तो भाई नहीं करेंगे, क्योंकि रिस्क जो है बड़ा है कंपेयर टू रिवॉर्ड। अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे भी लेती हूँ तो भी आपका रिस्क जो है वो काफी बड़ा है कंपेयर टू द रिवॉर्ड। डेली के टाइम फ्रेम में 10% का रिस्क होना इज अ वेरी बिग थिंग। यस, कैन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं सभी लर्नर्स और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। छुट्टी के दिन भी मैं मैम को परेशान करता हूँ आप सभी के पास लाने के लिए, तो हमारी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए आप लोग, मेरा एक पर्पज है कि मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को,
और जिसने जो क्वेरी पूछी है, मैं खाली ऐसे ही सीधा नहीं बता रही हूँ कि भाई आप इसको ये बाय करें, स्टॉप लॉस ये, टारगेट ये, मैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इसकी हेल्प से आप टेक्निकल्स भी सीख सकते हैं, सब ऑप्शंस भी सीख सकते हैं जो मैं सिखा रही हूँ। और आप इस पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैंने एक और शुरू कर दिया है कि जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं और हमारी टीम बैठ के उस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करते हैं, और उस क्वेश्चंस पे हम वीडियोस बना रहे हैं जो डाउट आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं रिलेटेड टू जो मैं सिखा रही हूँ। तो आपके व्यूज, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं फिर उसी पे एडवांस वर्जन पे चलते जाऊंगी। बिल्कुल मैम, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे भी बढ़ते हैं। कनिका जी हैं, उनका ये लिखा है उन्हें कि जुबिलेंट इनग्रीविया में सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट रेजिस्टेंस आया है 595, 645 एंड 820। ए बी कैपिटल रेजिस्टेंस वीकली कप एंड हैंडल 335। क्या है कनिका जी, ये जो भी आपको मिलते जाए ना पॉइंट्स, ऐसे लाइंस बनाते जाओ। बिकॉज आपको बता दूं, जैसे ये लाइन ब्रेकआउट हुई है, तो ये लाइन ब्रेकआउट जब होती है ना, और आरएसआई 70 के ऊपर चला जाता है, देखिए ये लाइन, तो क्या होता है कि प्राइस में जो है ना बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाती है उसी दिन, क्योंकि ये डबल डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके जब वो बाहर निकला है, तो और उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है इस पे, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ये भी जब वो ब्रेकआउट करके निकलता है, ये है एक और है देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा है, तो ये जब इतने सारे रेजिस्टेंस वो एक साथ निकल रहा है, तो मतलब वो छोटे मोटे वॉल्यूम के साथ या छोटे मोटे ट्रेड के साथ तो नहीं निकल सकता, उसने बहुत भारी ट्रेड मारना रहेगा। तो उसका आइडिया आप कहाँ से ले सकते हो, यहाँ पे जो कैंडल्स है उसमें वॉल्यूम कैंडल्स डालिए एंड देन सी द वॉल, आपको साथ साथ में पता चल जाएगा ये वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट हो रहा है, ये आपको बताएगा कि प्राइस में कितना फोर्स है, ब्रेकआउट में कितना फोर्स है, और फिर उसी दिन वो जो है 10% तक देख लो ऊपर चला भी गया ना अल्टीमेटली। जब भी देखिए ये फोर्स आते हैं ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा, गॉट इट? और इसी को अगर हम वीकली में देखें, मंथली में देखें, तो वीकली में दिख रहा है बहुत अच्छी चीज है। मैं इन सबको हटा के आपको एक चीज और दिखाती हूँ, या वीकली में आपको ये ब्रेकआउट नहीं दिख रहा, और हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी है, यस हल्का सा देखिए दिख रहा है ब्रेकआउट, प्लस यहां पर भी मुझे हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट है, प्लस मुझे क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल रहा है, एंड वॉट इज दिस, Jan 22, April 24, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, 2 साल हो गए, तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तो स्टॉप लॉस के साथ हम इस तरह से मूव कर सकते हैं, जो प्रीवियस स्विंग हाइज है उनको हम टारगेट्स बना के चल सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस। चाहिए तो कम चार छोटे छोटे टारगेट्स भी बना सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके, यस गॉट इट कनिका जी? और यस मैम, मैं अभी कमेंट सेक्शन में ये भी बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो डाउट्स हैं जिस पे आप वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जैसे स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, एक्सपायरी क्या होती है, वो सब चीज़ों आप हमारे मैं सभी लर्नर से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे चैनल पर एक बार जाइए, एक बार स्क्रोल करिए, मैम ने आप सभी के लिए बहुत सारे वीडियोज़ बना के ऑलरेडी डाले हैं जो भी आपके देखिए बेसिक आप ये कॉन्सेप्ट। चैनल पे जाइए, मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, और ये चैनल पे जाएंगे
और आपको, आप देखिए कितने सारे कोर्सेस और बना के रखे हुए हैं आपके लिए, कितने कोर्सेस, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, बाइंग, सेलिंग, ये देखिए कितने कोर्स। और अगर आप प्लेलिस्ट में भी जाके देखेंगे, लाइव है, प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में भी अगर आप जाके देखेंगे, सॉरी 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 सर सॉरी, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। आप किसी के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हो, आप सर्च कर सकते हो जिसका आपको देखना है। तो कितने सारे हमने वीडियोस बनाए हुए भी हैं, और आप यहाँ पे भी जाके सारे वीडियोस देख सकते हो, जो भी आप चाहो देखिए, सारे आपके लिए बनाए हुए हैं। जो आप पूछ रहे हो, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन सेलिंग है, ये सब आपके लिए बना के रखे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इसके देख के इसकी बेनिफिट उठाइए जितना उठा सकते हैं। थोड़ा हम कर रहे हैं तो थोड़ा आप भी सुनिए, देखिए आपको मजा आएगा। यस नेक्स्ट। यस यस मैम, नेक्स्ट डाउट है कि व्यू ऑन टाटा मोटर्स प्लीज। रसेंजीत कर जी का डाउट है। टाटा मोटर्स तो भाई चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। ये देखिए इसके अंदर क्या दिखा था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखा था, Jan 15 का 23, मतलब 8 साल, 8 साढ़े 8 साल का जो ब्रेकआउट है। जनरली मैंने ऐसा देखा है कि साल भर में 40-50% से लेके 100% तक का मूव आ सकता है, गारंटेड कुछ नहीं है। 40-50% की स्ट्राइक रेट है, बाकी के लिए स्टॉप लॉस है, लेकिन उस हिसाब से अगर इसमें काम किया जाए, छोटी छोटी क्वांटिटी, तो ये मूव मिल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज। और हाँ, जो मैं बता रही थी वो देखिए, इन सबको ब्रेक करके निकल गए ना भाई साहब। अब आगे और एक ट्राई करते हैं, ये वाले के साथ में इसको भी ब्रेक कर दिया, और रेजिस्टेंस मुझे नहीं मालूम ना क्या होगा, तो अब यहाँ पे मैं देखती हूँ कि यहाँ पे आया तो फिर उसके हिसाब से ऐसे भी बना के रख सकते हैं ना हम लोग, क्या कहते हो? मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि जिससे आप खुद सीख जाओ, और एक दिन ऐसा आए कि आपको मेरी भी जरूरत ना पड़े, किसी की भी जरूरत ना पड़े, आप खुद से अपने आप तैयार हो जाओ। यस मैम, मतलब मेरे को ये काफ़ी, मैं आपके साथ अग्री करता हूँ, क्योंकि मतलब मैं मैम के साथ काफ़ी बार ऐसे बैठता हूँ तो साथ में मैम से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो वही जो टेक्निकल एनालिसिस जो मैंने मैम से अब तक सीखा है, तो अब ऐसा होता है कि कोई भी स्टॉक होता है मैं मैम को बताता हूँ, मैं देखो मैम इसमें ये है, और मैम बोलते हैं हाँ अब तो तुम सीख ही गए हो। तो उसे काफ़ी मज़ा आता है। जैसे अभी मैम सब गोल्ड की बात कर रहे हैं कि गोल्ड भाग रहा है, गोल्ड भाग रहा है, और मतलब ऐसा है कि टेक्निकल्स पे हम देख के आप और मैं, हमारा पहले ही इतना डिस्कशन हो गया है कि अभी इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट आएगा, इसकी ये भी चलने वाला है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी मेरे को हेल्प हो जाती है आपके थ्रू। क्या कहते हो? यस माय फ्रेंड्स, व्हाट से और मैम इवन अगर आप पूरा मेटल देखोगे, तो जैसे अभी हिंदुस्तान जिंक किसी ने कहा था स्टॉक, तो मैंने ऐसे हिंदुस्तान कॉपर बाय किया था। तो वही है कि मतलब अगर टेक्निकल का नॉलेज होता है तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे एंटर हो जाते हो और क्या काफ़ी बेनिफिट प्राइस हो है, जाते हो उससे। किसका क्या प्राइस है? मैम? 64187, राइट, जहां पे यस मैम, ब्रेकआउट आया था 64,000 के आसपास। वीकली चार्ट है, एक वीक, 2 वीक, 3, 4, 5, 6 वीक में 73-74,000। गोल्ड को कभी महीने डेढ़ महीने में 10-15-20% बढ़ते हुए देखा है क्या किसी ने? देखा है 2006 में फॉल देखा है, 2008 में इसमें अगेन राइज देखा था, जब ये 9,000 के करीब था, 2008-9 की बात है, और 8,000 से फिर सीधा सीधा जाके 14,000 पे अटका था। फिर ऐसे करते करते देखो, 2010 में ये 14,000 था, और वहां से 14 साल में 72,000। क्या बोलूं,
ये तो मैं 2006 से काम कर रही हूं, तो मुझे पता है इसका हर मूवमेंट, हर साल का हाई लो सब पता है इसके अंदर। फिर 2011 में बहुत बड़ी क्रैश आई थी, जहां पे सिल्वर जो है वो आधा हो गया था, 75 का सीधा 40,000 हो गया था एक ही दिन में, या 2 दिन मैक्स टू मैक्स, ऐसा पानी पानी हो गया था सिल्वर। गोल्ड भी काफी गिरा था, लेकिन गोल्ड हाफ नहीं हुआ था, दैट वाज 2011-12। उसके बाद वापस चलने लगा और फिर ऊपर आया, ऊपर आने के बाद वापस ये 2020 कोविड के बाद, जहां से इक्विटी बढ़नी शुरू हुई थी ना, वहां से कमोडिटी ये मेटल्स वापस गिरने शुरू हुए थे, और इस तरह से चलता आया है। अभी फिर से मल्टी ईयर रिकवरी है। तो जो ये टेक्निकल एनालिसिस है, ये सब जगह इक्वल काम करता है, सब जगह कहीं भी आप देख लो। और मैम उसी के लिए मेरे पास एक और है कि मतलब काफ़ी लोग जिनने आपको ऑप्शंस का मेंटोरशिप प्रोग्राम किया था उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम टेक्निकल्स पे भी कोई मेंटोरशिप प्लीज़ वापस से लेके आइए या उसका भी कुछ स्टार्ट करिए उस साइड पे। करते हैं चलो, करते हैं प्लान करते हैं, ठीक है तो अगर मतलब मैम वैसे मैंने लिंक भाई, थोड़ा ऐसा टाइम तो डिस्क्रिप्शन, मिलने दो। सही बात है, मैंने डिस्क्रिप्शन में से लिंक दे दिया है, अगर एक बार किसी को चेकआउट करना है वो कर सकते हैं। अगले महीने प्लान कर रहे हैं, चलिए बिल्कुल मैम। मैम एक और है, TCS पे व्यू शेयर करिए। सेम थिंग टीसीएस, ये देखिए क्या कहते हैं, मजा आ रहा है। प्राइस 1 और 2 पॉइंट, राइट एक्सटेंड ऑटोमेटिकली, यस व्हाट से सेम वे। मैम उनको TCS के ऑप्शन पे व्यू चाहिए, तो आई गेस एक हमें मिनट में और रुको, थोड़ा तो पहले टाइम। मुझे यस ये तो करने दो। देखिए ऑप्शन का व्यू मैं लाऊं कहां से, उसका बेस क्या है, क्या वो कोई अंकल मुझे जी बता कहते थे, सकेगा ऑप्शन का बेस क्या है, वो उसका कोई भी ओरिजिनल स्टॉक। डेरिवेटिव प्रोडक्ट का बेस क्या है, कोई बताएगा मुझे। मैं यहाँ पे मैं मेरे व्यूअर से पूछ रही हूँ कि क्या वो कोई बताएगा मुझे ऑप्शंस की प्राइसिंग कहाँ से आती है। यस क्या बता सकेंगे ऑप्शन की प्राइसिंग कहाँ से आती है, कोई रिप्लाई मैम आया। सरोज जी का आया है, अंडरलाइंग एसेट द स्टॉक इटसेल्फ। तो फिर मैं स्टॉक तो पहले देखूं कि स्टॉक में मूवमेंट क्या दिख रहा है, यस उसके बाद ना ऑप्शन पे जाऊंगी। यस तो यहाँ पे आई, फिर डेली में आते हैं, डेली में क्या दिख रहा है ये सब हटा देती हूँ। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि दिख रही है किसी को, खाली मुझे इतना बताओ, अगर मैं इतनी एरिया मार्क करूं तो क्या किसी को कोई क्लैरिटी दिख रही है। चलिए अभी आई, इतना सिखाया आप लोग, थोड़ा मुझे आइडिया दीजिए। कम ऑन, कितने लोगों को क्लैरिटी दिख रही है, ये रेंज कितनी है, 34, 30, 100 पॉइंट की रेंज है, बताइए कितने लोगों को क्लैरिटी दिख रही है। कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। मेरा सेशन ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ सुनते रहो, मैं सिर्फ बोलते रहो, मेरा मन करेगा बीच बीच में पूछ लूंगी आप लोगों से। मैम सबका यार है इन रेंज कंसोलिडेशन। तब इसमें क्या ऑप्शंस, इसमें बाइंग तो बनती ही नहीं है ना ऐसी सिचुएशन में, बिकॉज इट इज नॉट गिविंग मी एनी डायरेक्शन। अब एक और देखते हैं, चलिए टीसीएस का ऑप्शन चेन देखते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे बताइए इसमें क्या दिख रहा है आपको।
सॉरी, क्या मुझे कोई बता सकता है इसमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है? अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिखाते हैं। क्या यहाँ पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है? यहाँ पे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, इसका मतलब इनडिसिसिवनेस है। और कॉल और पुट के टोटल दोनों मिला लूं तो अप्रोक्सीमेटली 170 रुपीज के आसपास आता है। तो प्राइस जो है वो 100-120 रुपीज के रेंज में घूम रही है। अंडरस्टूड? ऐसे में क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे? दिस इज हाउ वे यू कैन चेक ओपन इंटरेस्ट विथ ऑप्शन चेन ऑल्सो। डू वी हैव फर्दर क्वेश्चंस? यस मैम, क्वेश्चंस काफ़ी सारे हैं हमारे पास एक्चुअली, और काफ़ी सारे व्यूअर्स एक्चुअली जुड़े हुए हैं आज। ओके, सो मानिक जी का है, एनसीसी पे उन्हें 273 पे बाय है, ऑल टाइम हाई में होल्ड करना चाहिए। एनसीसी आप बताइए। चलिए, बहुत सिंपल तरीका है। क्या कर रहा है प्राइस? ओपन है राइट? और अगर मैं वीकली में जाऊं तो, मंथली में जाऊं तो ऊपर है, मतलब इट इज बाय ऑन डिप स्टिल नाउ विथ अ स्टॉप लॉस। गॉट इट? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट। कॉम्प्लीमेंट्स भी मैम आपको काफ़ी सारे हैं कि मैम, पुनीत जी ने लिखा है कि आपकी टीचिंग से बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। दर्शन जी का है, अशोक लेलैंड पे व्यू चाहिए उन्हें मैम। डेली में अभी तक मुझे ये साइडवेज ही दिख रहा है, कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ ना, मुझे रेजिस्टेंस देखने की आदत हो गई है। तो ये जो है, मैं सबसे पहले रेजिस्टेंस देखती हूँ राइट। उसके बाद यहाँ पे भी वही रेजिस्टेंस आ रही है, क्या कहते हो? ये देखो, हाँ, यहाँ पे मुझे बड़ा अपर मिल गया आप लोग को दिखाने के लिए। गैप अप ओपन हाई, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये देखिए, गैप अप ओपन हाई, उसके बाद ये फिर से गैप अप ओपन हाई हुआ था, उसके बाद ये फिर से गैप अप ओपन हाई हुआ था, और देखो यहीं पे रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है। तो अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाए तब कुछ सोच सकती हूँ। तब तक मैं कुछ इसमें बाय अभी तो नहीं देख सकती। मंथली में भी अगर देखें तो RSI 70 के नीचे, और अगर मैं इन तीनों स्विंग ये पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ती हूँ, क्या बोलते हैं माय फ्रेंड्स, तब भी मुझे अभी तक इसमें रेजिस्टेंस ही दिख रहा है। अभी तक तो बाइंग नहीं दिख रही है, मंडे को आ जाए तो पता नहीं। और बताइए। अच्छा फ्रेंड्स, ऐसा है, टाइम की कमी होने के वजह से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं ले पा रही हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट में अपने क्वेश्चन, अपने व्यूज डाल दीजिए, और उसके हिसाब से
मैं देखकर और जवाब दे दूंगी, ओके? लेकिन वो जवाब मैं वैसे नहीं दूंगी, उस पर वीडियो बना के आपको जवाब दूंगी। वाई? बिकॉज उस पर जवाब देने से सिर्फ आप ही देख सकोगे, और उस पर वीडियो बनाने से सब लोग देख सकेंगे। तो ऐसा अभी जो लोग भी व्यू कमेंट बॉक्स में डालेंगे, लाइव कमेंट्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में, तो वहां पर फिर मैं उनके वीडियोस बनाएंगे, ओके? तो ऐसे करके मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाते जाऊंगी, जब तक आप स्टडी करना पसंद करोगे मैं बनाते जाऊं, ओके? तो आगे बोलिए शुभ जी, नहीं तो वी कैन टेक अ लीव। ओके मैम, मतलब ऐसा तो एंडलेस जैसा ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स आ गए हैं अभी मतलब कमेंट सेक्शन में। बट ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। और जिसको भी अच्छा, टेक्निकल, किसी का क्वेश्चन है कि इंट्राडे के लिए हम सर्च कैसे करें, तो मैंने एक स्कैनर कैसे बनाते हैं वो सिखाया है, और इंट्राडे का वीडियो भी एक बना के दिया है जो अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। मैम कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग टेक्निकल एनालिसिस का लिंक भी मांग रहे हैं मेंटोरशिप का, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि वो डिस्क्रिप्शन आप बॉक्स में। देख लो। ओके मैम, तो सभी व्यूअर्स को मेरी रिक्वेस्ट है, जिनको भी ऐसा लगता है मैम से टेक्निकल सीखना है लाइव, तो आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाला हुआ है और पिन कॉमेंट्स में भी डाला है। आप वहाँ से वेबसाइट पर जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि मैम कितने दिन पढ़ाने वाली है, क्या क्या पढ़ाने वाली है। सो फील फ्री टू चेकआउट। और ये सेशन जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो अपने आप को फटाफट एनरोल कर दीजिए, ताकि हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।